काफी सारे लोग काउंसलिंग करके हमको पूछते हैं कि टेंशन से कैसे मुक्ति पाना, बहुत प्रेशर आ रहा है उससे कैसे मुक्ति पाना, तो उसके बारे में चलो आज बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गणकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोध तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई या हमारे हॉस्पिटल से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ मनोविकार तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। व्यसनमुक्त भारत और मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य हमारा मिशन है। जब लोग पूछते रहते हैं कि टेंशन से कैसे मुक्ति पाए, वहां से कैसा फ्रीडम करेंगे, क्योंकि टेंशन तो हर एक को आता है और टेंशन के बिना तो जीवन ही नहीं है, टेंशन तो आएगा ही आएगा। हर व्यक्ति में टेंशन को फाइट करने की ताकत है, हर व्यक्ति में टेंशन में ना रहने की, मतलब रिलैक्स रहने की भी ताकत है या पावर है, वो कर सकता है। देखो बच्चा रहता है 2 साल का 3 साल का 4, उसको कहाँ टेंशन है, मस्त रिलैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे अलग 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 सब मुश्किलें दिमाग में आना शुरू हो जाती है, अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग विचार आएंगे, ओपिनियंस आएंगे, सब बाहर के वातावरण से हमारे दिमाग में डाल दिया जाएगा, जवाबदारियाँ आती जाएंगी और फिर जो फ्रीडम है ना वो निकल जाता है। बच्चा जो हंसता खेलता है, कूदते रहता है, बड़ा आदमी होने के बाद में वो सब दब जाता है, सब स्ट्रेस के मारे, टेंशन के मारे दब जाते हैं, फ्रीडम नहीं रहने में, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, और लोग ऐसे रहते हैं कि भाई कितना बोझा लेके चल रहे हैं। समझो कोई आदमी के पीठ के ऊपर 50 किलो का बोझा है तो वो कैसे चलेगा, वैसा लोग चलते रहते हैं, बोझा दिखता नहीं है कि भाई बोझा है करके। हमको ये देखना है कि भाई ये कैसा, हम उसको उसका कैसा सामना करेंगे, वो हमको देखना पड़ेगा कि उससे कैसे मुक्ति पाएंगे। बच्चों में एनर्जी होती है, बच्चों में देखो कितना कूदते हैं, खेलते हैं, शाम तक भी बस खेलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। बच्चों को बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, तभी भी वो करते जाएंगे, फुल एनर्जी रहती है बच्चों में, और आदमी बढ़ाने के बाद थक जाता है। थोड़ा कुछ हो गया तो शाम को बोले थकान हो गई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है सब चिंताओं में, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देख के, मुश्किलों को देख के, ऐसी जैसी एनर्जी से मतलब खून निकाल दिया जैसा, ऐसी उसकी एनर्जी निकल जाती है, और उसका कैसा सामना करे। देखो तो काफ़ी सारे हमारे डिज़ायर्स है, बहुत सारे डिज़ायर्स है, बहुत सारी इच्छा है, और पूरी करने के लिए आदमी भाग 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 रहा है, और वो भागते भागते उसका सामना करते करते काफ़ी सारी मुश्किलें सामने आती है, उसको पार करना है, मुश्किलों का सामना करना है, और जीवन जीना चालू है, सुबह से शाम तक भाग रहा है। इसमें उसको यदि पैसे का, मतलब फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंस यदि उसको हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, तो काफ़ी सारे पैसे से जो चीज़ें खरीदी जा सकती है वो चीज़ें वो खरीदेंगे, और उसको वो एरिया में कम से कम शांति रहेगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको आमदनी ठीक है कि नहीं, हमारी आमदनी अच्छी है कि नहीं। आमदनी हमारी अच्छी रही तो हमको दिमाग में काफ़ी सारी शांति मिल जाती है, नहीं तो आमदनी के लिए आप मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको 2 एंड मीट करना है, दो एंड जो है 1 to 30 वो आपको जोड़ने का है, तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर आप दौड़ते रहो। तो हमको ये देखना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा मुझे मिलेगा, ताकि वो जो है ना दिमाग में नहीं रहना चाहिए मुझे। अब वो कैसा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा लेना, फाइनेंस एरिया कैसा बदलना है, उसमें कैसा बड़ा कुछ तो भी रिजल्ट क्रॉस करना, वो तो आपको अलग हमारे वीडियोस में देखने मिलेगा। दूसरा ये है कि हम चीज़ें जो खरीदते रहते हैं वो हम कर्जा लेके खरीदते हैं। हमको गाड़ी लेना है तो हम कर्जा लेके, मोबाइल लेना है तो कर्जा, कैमरा लेना है तो कर्जा, जो भी हमको चीज़ चाहिए, मकान लेंगे, फ्लैट लेंगे तो कर्जा। इंटरेस्ट जो रहता है ना, हम बोलते रहते हैं कि इंटरेस्ट का जो मीटर है वो दिन रात चालू रहता है, बैच, वो बैच बढ़ते जाता है। हमारे खर्चे जो है वो हमारे आमदनी से बहुत ज़्यादा है, और फिर उसका टेंशन आते जाता है। तो ये देखना है कि कर्जा लेके कोई भी उत्सव मनाने का नहीं है, कि हम कर्जा ले रहे उत्सव मना रहे, लोग कर्जा लेके भी उत्सव मना देते, कुछ भी उत्सव मनाने का नहीं कर्जा लेके। जब बहुत ज़्यादा पैसा है तो उत्सव मनाओ, उत्सव मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कर्जा लेके 2-2, 3-3% का महीने का बैच क्रेडिट कार्ड के ऊपर काटने वाली कंपनियाँ हैं, और वो लेके हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चा करते जाते हैं, खरीदी कर लेते हैं, और फिर कर्जा करके फिर धीरे धीरे फेड़ेंगे ऐसा बोलते हैं, और अपने ऊपर टेंशन लाते हैं। तीसरा जो है, लोगों को फियर ऑफ फेलियर है, बहुत फेल से डरते, इसलिए कोई काम करने में ही टेंशन, मतलब काम करने के पहले टेंशन लोगों को आ जाता है, कोई काम करना नहीं, नहीं मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगा, मुश्किलें आएंगी, पैसा निकल जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेता भी नहीं है,
या फिर कोई नया काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो भी काम कर रहा है उसके उसमें टेंशन आ रहा है। टेंशन कहाँ का है? एक तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा दिखेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे तो पैसा निकल जाएगा, फेल हो जाऊँगा तो फिर बड़ी मुश्किलें और उसका सामना करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं करूँगा ही नहीं, और फिर उसका टेंशन रहता है। ऑफिस में रहेंगे तो बॉस का टेंशन है, बिजनेस में रहेंगे तो और इंस्पेक्टर राज है उसका टेंशन है, मतलब टेंशन टेंशन में लोग रहेंगे। आपको ये देखने का है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं दिमाग में शांति रखूँगा, और फियर ऑफ फेलियर कि भाई फेल जब हो जाऊँगा तब देख लेंगे। डरना क्यों है? क्योंकि फेलियर का फियर ये साइकोलॉजिकल फियर है, ये कोई रियल फियर थोड़ी है। आगे कुछ तो भी हो जाएगा, एक काल्पनिक भय है, उसका सामना हमको करना पड़ेगा। वो यदि हम करेंगे कि भाई नहीं काल्पनिक भय है, जब आएंगा तब देखेंगे और अभी रिलैक्स रहेंगे, तो काफ़ी सारा टेंशन आपका रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट है, लोग कंपेयर करते रहते हैं, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों? कंपैरिजन में बहुत सारा मतलब फ्रीडम निकल जाता है। देखो हमारा एक तो हम कंपेयर कहाँ करते हैं, हमारे से जो ऊंचा है उससे हम कंपेयर करेंगे, वो बड़ा है वहाँ मुझे पहुँचने का है, उसके साथ में हम जिले से रहेंगे मत्सर रखेंगे, वहाँ पहुँचना है इसके लिए हम टेंशन टेंशन में काम कर देंगे कि मुझे पहुँचना वहाँ है। हम नीचे वाले को देखेंगे तो वहाँ लगेंगे देखो मेरी कंडीशन तो उसके जैसी हो जाएंगी नहीं, एक तो वो कि मेरी कंडीशन उसके जैसी हो जाएंगी, या कुछ मेरे को करेगा, ये कंपटीशन करेंगे और मेरे साथ में आ जाएंगे तो कैसा होगा, या मुझे वो थ्रेट है क्या नीचे वाला, मतलब ऐसा टेंशन वहाँ से भी आएगा। कंपेयर मत करो, कंपेरिजन से कुछ नहीं हो, सो डोंट नेवर नेवर एवर कंपेयर, कंपेयर कभी करना ही नहीं है। कंपेयर करना है तो आपका जो पहला परफॉर्मेंस है उसके साथ में कंपेयर करो। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर कोई क्रिकेटर के साथ में कंपेयर नहीं करते, वो अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उसके साथ में कंपेयर करते रहते, तो नेवर एवर कंपेयर, कंपेरिजन मत करो। तो वो यदि आप दूर कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेक्षा भंग हो जाना। अपेक्षा हम जहाँ वहाँ अपेक्षा रखते हैं, और अपेक्षा क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहिए ऐसा दिमाग में रखता हूँ, उसकी आशा में रहता हूँ और वो होता नहीं है, और फिर मुझे उसका तनाव आ जाता है और फिर मैं अपसेट हो जाता हूँ। देखो उसमें यही है कि भाई दुनिया जैसी है वैसी है, और जैसी नहीं है वैसी नहीं है, मैं यदि एक्सपेक्टेशन रखूँगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे लोग हैं या जैसी दुनिया है उसका स्वीकार करना पड़ेगा, और जब मैं स्वीकार करता हूँ बिना अपेक्षा रखते हुए, ऐसा बोला जाता है कि ऑलवेज इंस्पेक्ट नेवर एक्सपेक्ट, देखते रहो क्या संभव है क्या संभव नहीं है, जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं है, जैसे लोग हैं उनको आप स्वीकार कर लेते हो, अपेक्षा नहीं रखते हो, तो आपका काफ़ी सारा फ्रीडम जो है वो बहुत आपको मिल सकता है, और टेंशन या प्रेशर का जीवन आपको रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है। कर्म करते रहो बिना अपेक्षा का, तो भी टेंशन का आएगा, नो टेंशन, एब्सोल्युटली विल बी फ्री। तो यदि हम करते हैं तो हमारा टेंशन फ्री हम लाइफ जी सकते हैं, प्रेशर रहेगा नहीं, और प्रेशर टेंशन रहेगा नहीं तो काफ़ी सारी बीमारियाँ हमारी एक तो आएंगी नहीं, और यदि आती है बीमारियाँ तो हम जल्दी भी ठीक हो जाएंगे, हमको दवाइयाँ कम लगेंगी। प्रेशर टेंशन से हार्ट अटैक जल्दी आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज जल्दी हो जाता है, थकान आ जाती है, नींद नहीं आती, और ऐसा लगता है कि बहुत थक गए गल गए, एनर्जी बिल्कुल रहती नहीं। तो ये हमको यदि जीवन बहुत मस्त जीने का है तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो यदि आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन होता है उसको हिट करो। हमको लोग काफ़ी फ़ोन से भी काउंसलिंग के लिए बोलते रहते हैं, काउंसलिंग हम फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन काउंसलिंग करते रहते हैं, यहाँ भी आके हॉस्पिटल में आके भर्ती हो जाते हैं, इलाज करते रहते हैं या काउंसलिंग करते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।